Hello friends, welcome to SSLLC Career Services Private Limited. आपको क्रिसमस की बधाई और न्यू ईयर आने की शुभकामनाएं और मैं मुझे पूरा विश्वास है आप ठंड का पूरा मजा ले रहे होंगे आज के टाइम पे. आज मेरी कैरियर काउंसलिंग पे नेक्स्ट वीडियो है काउंसलिंग के ऊपर कि चाइल्ड काउंसलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें चाइल्ड काउंसलिंग करनी पड़ रही है और क्यों ये पहले नहीं थी. अगर आप देखें पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, कंपटीशन कम था, चेंजेस धीरे धीरे होते थे और बच्चे ज़्यादा होते थे. पेरेंट्स के कई बार तीन तीन चार चार बच्चे होते थे तो उनको एक कुजन अपने घर पे ही मिल जाता था कि किस की उनको फ्रेंड्स मिल जाते थे घर पे. नाना नानी दादा दादी मामा कितने चाचा चाची इतने लोग होते थे कि आपस में चीज़ें सुलझ जाती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी ख़त्म हो जाती थी. इतना कंपटीशन नहीं था मार्केट के अंदर. बच्चों की जो स्कूलिंग ले लो या जो आप आइटम्स ले लो कम हुआ करते थे. तो लाइफ जो थी वो मेरे हिसाब से पहले बहुत अच्छी थी कंपेयर टू अभी इन विद कंपटीशन ऑल थिंग. आज के एज में इवन हमें कई बार जब जॉब ज्वाइन करते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, सेटलमेंट का चैलेंज हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को चैलेंजेस नहीं आते होंगे? आइडियली पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम लेके आते हैं, बच्चों को बोल देते हैं नहीं तो पता नहीं मैं कितना स्ट्रेस में हूँ तुम जाओ. पर आइडियली बच्चों के एज के हिसाब से बच्चे जो फेस करते हैं सिचुएशन वो भी टफ होती है. कभी कुछ बच्चों से कोई बात नहीं कर रहा होता, कभी कोई मार देता बच्चों को, कभी बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते स्पोर्ट या कहीं किसी चीज़ों के अंदर, कभी बच्चों को किसी कुत्ते या किसी का डर हो जाता है. डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास. तो काउंसलिंग आती है बच्चों की, अलग 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 तरीके की काउंसलिंग आती है. और शायद आपकी एज में आके ये ईजी लग रहा हो कि यार ये छोटी चीज़ है, बट बच्चों की एज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके ऊपर से सोशल मीडिया और बोथ पेरेंट्स वर्किंग और सिंगल फैमिली के हिसाब से बच्चों के पास शेयर करने के लिए कोई नहीं होता या बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है. और धीरे धीरे बच्चे अलग हो जाते हैं या बच्चे किसी और से शेयर कर रहे हैं जो कि शायद सेफ हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है. तो आइडियली हमें या तो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है अगर ये ऑलरेडी इस फेज से निकल चुका है, या हमारे पेरेंट्स को अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से अपने चाइल्ड के लिए टाइम निकालें. जब चाइल्ड के लिए बात कर रहा हो तो उसके सुने, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, खेले, एक बच्चे बन जाए ताकि वो अपनी बात खुल के आपके साथ शेयर कर सके, अपने चाइल्ड पर ट्रस्ट करें. कई जगह मैंने पेरेंट्स को देखा है अपने चाइल्ड पे ट्रस्ट करने के बजाय किसी बड़े आदमी पे ट्रस्ट करने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं. हाँ चाइल्ड मजाक करता है, चाइल्ड हो सकता है, बट चाइल्ड इज़ योर इनवैल्यूएबल. चाइल्ड को हमें सीरियसली लेना चाहिए. अगर वो कुछ बोल रहा है हमें बैठ के समझना चाहिए. अगर हम ये करेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि हमें काउंसलर के पास नहीं जाना पड़ेगा. पर अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है जहाँ पे बच्चा डरा रहता है, बच्चा एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है, बच्चा गुमसुम बैठा रहता है या बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता एग्ज़ाम में पर घर में अच्छे से परफॉर्म करता है, या बच्चा डरा रहा रहता है किसी से, ये सारी उसके लिए नॉर्मल सिचुएशन नहीं है. आपको नहीं पता वो कौन से पेन, कौन से टेंटरम से गुजर रहा है. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके बच्चों पे जरूर फोकस रखें. और अगर आपको लगता है आप अपने बच्चों को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, आप जरूर काउंसलिंग लीजिए. आई होप ये आपके बड़ा सीरियस मैटर है, आप जरूर इस पर ध्यान देंगे. और इवन अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए आप हमें बताइएगा, हम चाइल्ड काउंसलिंग भी करते हैं. एल्स प्लीज़ फोकस ऑन योर किड्स, गिव मोर टाइम, गिव मोर वैल्यू, टॉक टू देम, लेट दे स्पीक विथ यू फ्रीली रादर देन एक डर बना रहे हैं पेरेंट्स के साथ. और जरूरत पड़े तो काउंसलर के पास आइए. थैंक यू वेरी मच.